हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर स्नेहलता। आज जो है हम अपना बीएड का सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका जो लास्ट यूनिट हमारा चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा टॉपिक है रैंक डिफरेंस। रैंक डिफरेंस क्या होता है और हम क्यों निकालते हैं रैंक डिफरेंस, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी जो है वो क्या भूमिका है, ठीक है, कहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं और किन किन तरीकों से, किन किन मेथड्स को अप्लाई करके हम जो है इसको यूज करेंगे, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टॉपिक आपका ये बन रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक क्या है एंड रैंक डिफरेंस मेथड एंड क्या है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ये मेथड्स कौन कौन से हैं, रैंक डिफरेंस के अंदर हम उनका कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनता है कि सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं और सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए किन किन जो है वो विधियों की हम प्रयोग करें, किन किन विधियों से सहसंबंध गुणांक को निकाला जा सकता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो जब सहसंबंध या कोरिलेशन की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सिंपली तो हमें पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए कि सहसंबंध क्या होता है, ठीक है, और कहां पर स्टैटिस्टिक्स या असेसमेंट के अंदर हम इसको प्रयोग करते हैं। असेसमेंट फॉर आपका सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेस जब हमें किसी को करना है तो फिर जो लर्निंग के लिए असेसमेंट हमारी है उसमें हमें रैंक डिफरेंस कैसे निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम यहाँ पर बात करेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन की, कि हमारा जो सहसंबंध है वो क्या है। देखिए, एक अगर हम डेफिनेशन देखें, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू आर सी लेथरोप के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहते हैं कि कोरिलेशन इंडिकेट्स ए ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, कि कोरिलेशन इंडिकेट्स क्या दिखाता है, कोरिलेशन ए ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो जो चल राशियां हैं उनके बीच में आपस में संबंध क्या है, इसको जो दर्शाता है। हिंदी के अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि जो सहसंबंध है वो दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, कि जो दो चल राशियां हैं, ठीक है, उनके अंदर जो संबंध है वो कहां तक है और क्या है। और जब हम सहसंबंध गुणांक की बात करते हैं या कोफिशिएंट की हम बात करते हैं तो जब वो संबंध है दो चल राशियों के बीच में वो कितनी मात्रा में है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सहसंबंध गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब है जो सहसंबंध है, बहुत सारे जो डेफिनेशन इसके अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन इसकी आई हुई है। विलफोर्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहते हैं कि ए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए सिंगल नंबर दैट टेल्स एस टू व्हाट एक्सटेंट टू थिंग्स आर रिलेटेड, व्हाट एक्सटेंट टू थिंग्स आर रिलेटेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट वेरिएबल वेरिएशंस इन वन गो विद द वेरिएशंस ऑफ द अदर। एंड क्या है, दोबारा से मैं इसको एक बार रिपीट कर रही हूं, ए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए सिंगल नंबर ऑफ That tells us to what extent two things are related or to what extent variables in one go with the variables of the other. कि एक सहसंबंध राशि क्या है या सहसंबंध गुणांक क्या है, एक वह संख्या होती है जो यह बताती है कि वस्तुओं में आपस में किस सीमा तक सहसंबंध है और वे एक दूसरे के एक राशि में परिवर्तन होने का दूसरी राशि में जब परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से आपस में कितनी मात्रा के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो सहसंबंध आपका गुणांक कहलाता है, ठीक है। अब दो या दो से अधिक, ये हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं उनमें सहसंबंध की मात्रा में जो अंतर, जो सहसंबंध की मात्रा जो डिग्री है उसको जब हम चेक करते हैं तो उसको सहसंबंध गुणांक कहा जाता है, ठीक है। अब जो है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको जो है डिनोट कैसे किया जाता है रैंक को, तो देखिए सबसे पहले जो है ग्रीक भाषा के आर एच ओ रहो या रो जिसको बोलते हैं, इसको रो वर्ड से या पी से,
पी फोर जो प्रोडक्ट मूवमेंट है आपका, या फिर आर से क्या है रैंक डिफरेंस आपका जो डिनोट होगा, इन नामों से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, पी आर और बड़ा आर भी इसके अंदर कैपिटल आर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी आर का सिंबल है हमारा, तो इन सिंबल से जो है वो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जो देखिए बात आगे करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, किस कोरिलेशन है हमारा कितनी प्रकार का होता है। कोफिशिएंट हम कब निकालेंगे, जब हमें कोरिलेशन का पता होगा कि कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, और कोरिलेशन की जो मात्रा है उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, उसके ये सब जानने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रैंक डिफरेंस मेथड और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्टली हमारा इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि जो हमारा रिलेशन है जो दो चल राशियों के बीच में, ठीक है, बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वो क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, घनात्मक या सकारात्मक, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, घनात्मक, घनात्मक या सकारात्मक सहसंबंध, ठीक है। अब जैसे घनात्मक की बात आई, पॉजिटिव क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसको एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करें, तो देखिए कि एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज बढ़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे 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 हमारी मोटिवेशन बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही हमारा जो अधिगम है, हमारी जो लर्निंग है, उसके जो है वो बढ़ती चली जाती है बच्चे की। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे जो हमारा क्या है मोटिवेशन इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे जो है वो लर्निंग भी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। ये हमारा मोटिवेशन है, हम किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन करने से क्या होगा, आपका जो लर्निंग है बच्चा क्या मोटिवेट होकर के क्या करेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। मोटिवेट करने से क्या होगा कि हाँ बच्चा आप इस काम को इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से आपका स्कोर बढ़ सकता है, इस तरह से आप और अध्ययन कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं किसी भी काम को, तो उससे क्या उसकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, बच्चा उस काम को क्या है पॉजिटिवली और आगे करता चला जाएगा। इसको हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो किन्हीं दो चीजों के बीच में किस तरह से होता है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप देखिए एक चर में बढ़ने से क्या है, दूसरे चर में वृद्धि होती है, और एक चर के घटने पर क्या है, दूसरा चर घटता भी है इसके अंतर्गत, और तो इसे हम क्या कह देते हैं, तो इसे गुणात्मक या सकारात्मक या समान दिशा में सहसंबंध हम इसको कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा आपका जो चेंज होगा। अगर आपका घट रहा है कोई चीज, कोई संबंध घट रहा है किसी चीज का, जैसे किसी कोई बच्चा डिमोटिवेट जो हो जाता है, इसका अपोजिट अगर हम लेकर के देखें तो डिमोटिवेट अगर बच्चा होगा तो क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है, लर्निंग आउटकम्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो लेकिन जो भी जा रहा है, जा कैसे रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। वही अगर हम सेकेंडली बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की हम बात करें, तो नेगेटिव कोरिलेशन आपका क्या कहता है कि जब दो चल राशियों में जो रिलेशन है वो क्या है, वो अपोजिट होता है, कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज का घट जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें ले तो क्या है कि जैसे जैसे गति बढ़ती चली जाती है, अधिक गति होती है किसी भी चीज की, तो उसके क्या है, उसका जो शुद्धता है वो कम चली जाती है, कि किसी काम को हम स्पीडली कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीडली कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा कि उसके अंदर जो एक्यूरेसी होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दोनों जो दोनों जो चीजें हैं उनमें क्या है, जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, वो आपका नेगेटिव या नकारात्मक जिसको हम कहते हैं रिलेशन जो है वो पाया जाएगा, यानी कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घटी, या फिर ये बढ़ी स्पीड बढ़ी आपकी तो आपका जो क्या है आपकी जो एक्यूरेसी है वो क्या होगी, कम यहाँ पर हो गई। इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, और हिंदी के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ऋणात्मक सहसंबंध भी कहते हैं, ऋणात्मक नकारात्मक या विपरीत दिशा में दो चल राशियों के बीच में पाया जाने वाला सहसंबंध, ठीक है। सिंपल
सिंपली बड़ा ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा प्रयास करके ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो नेगेटिव है उसमें क्या है, पॉजिटिव में जो चेंज होगा राशियों में वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, वही नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होगा आपका जो अंतर है वो क्या होगा अलग होगा, एक राशि जैसे बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, एक राशि जैसे कम होगी तो दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसका जो परिणाम है वो उसके अपोजिट होगा, ठीक है। थर्डली हम बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की। जीरो कोरिलेशन क्या होता है, देखिए जब जीरो कोरिलेशन कब होगा, जब किसी भी प्रकार का कोई फर्क ही ना पड़े, जीरो कोरिलेशन, कोई संबंध है ही नहीं किसी भी प्रकार का, चाहे कुछ भी होता रहे। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बात लें कि जब आपका आर्थिक स्तर है, आर्थिक स्तर का कहता है कि जो प्रभाव है उत्तीर्ण प्रतिशत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, यानी कि आपका जो इकोनॉमिक आपकी घर की परिस्थितियां हैं उसका मान लो बच्चे के पढ़ने के साथ क्या लेना देना है, बच्चे का जो रिजल्ट आ रहा है वो कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं फर्क पड़ रहा। कोई ये जरूरी नहीं कि जो है आपकी घर की कंडीशन, अगर आर्थिक स्थिति घर की अच्छी है तो बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, या बच्चे का जो रिजल्ट है वो जो है वो बहुत डाउन चला जाएगा अगर उधर घर में की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी का किसी चीज पर कोई प्रभाव जहां पर ना पड़े तो सिंपली वो क्या है, जीरो कोरिलेशन के नाम से या शून्य सहज संबंध हम उसको कह सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे पास हो सकते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए जो है वो मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखती हूँ साथ के साथ, ताकि जब किसी भी बच्चे को चाहे मीडियम हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस प्रकार का क्या है, सहसंबंध जो है वो शून्य सहसंबंध कहलाता है कि चर के मूल्य में परिवर्तित तो हो लेकिन दूसरे चर के मूल्य में कोई भी परिवर्तन ना हो, सिंपली, ठीक है। जब एक चर के मूल्य में परिवर्तन हो लेकिन दूसरे चर के मूल्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन जहां पर नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन कहते हैं। थर्डली हम बात करते हैं लीनियर कोरिलेशन की। लीनियर या हिंदी में हम इसको कहें रेखात्मक सहसंबंध। रेखात्मक क्या होता है, रेखात्मक सहसंबंध, रेखात्मक सहसंबंध यानी कि रेखा के एक सिमिलर रेखा में जब परिवर्तन होता है, एक सीधी रेखा में जब हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तो ग्राफ की सहायता से क्या है, ग्राफ की सहायता से हम दिखाए जाने वाले सहसंबंध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या है, एक जब ग्राफ में क्या होता है सारी चीजें लाइन के अंदर होती है ना, ग्राफ सभी ने देखा होगा आप सबने, तो क्या है जो इस तरह का जो संबंध है कि एक रेखा में ही सिमिलर जहां पर चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखात्मक सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। अब दो चरों के प्राप्त अंकों में क्या है, इस प्रकार का जो परिवर्तन है एक ग्राफ या एक रेखा की सहायता से, सरल रेखा की सहायता से हम दिखा सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम लीनियर कोरिलेशन या रेखात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पांचवा जो इसका पॉइंट बनता है और जो इसका लास्ट पार्ट है, कोरिलेशन का लास्ट टाइप है, उसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोरिलेशन। कर्वीलिनियर या वक्रीय जिसको हम कहते हैं, वक्रात्मक, वक्रात्मक सहसंबंध। वक्रात्मक में आपका क्या होगा, वक्र के अंदर, वक्र समझते हो ना क्या होता है कि वक्र के अंदर आपका क्या होगा, गोलाई के अंदर जिसमें सहसंबंध पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका पांचवा टाइप है। अब कर्वीलिनियर की अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको दूं तो इसमें कहता है कि यह वह संबंध होता है जिसमें एक निश्चित समय के बाद क्या है, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित अनुपात में जो है वो स्थिरता खत्म हो जाती है और अस्थिरता आ जाती है, ठीक है। एक विशेष सीमा तक दो चरों में सहसंबंध पॉजिटिव होता है इसमें, और एक सीमा के बाद क्या है जो कोरिलेशन है आपका वो पॉजिटिव से हट करके नेगेटिव हो जाता है, यानी कि घूम जाता है चक्कर आपका, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर समझाएं तो एक तरफ आपका क्या है, पहले आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है कि कोई चीज बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब वक्रीय हो जाएगा आपका तो उसमें क्या होगा, आपका जो वही चीज क्या है सेम एक राशि में बढ़ रही है लेकिन एक टाइम के बाद क्या है वो एक निश्चित अनुपात में घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जब हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे वक्रात्मक सहसंबंध की स्थिति। तो ये पांच टाइप के स्टूडेंट्स हमारे जो कि टाइप्स जो है वो कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने से पहले हमें क्या है, हमें कोरिलेशन और कोरिलेशन के टाइप्स का पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक की मात्रा का जो वर्गीकरण है वो हम कैसे कर सकते हैं।
जब हम इसको डिग्री के अंदर मापते हैं सहसंबंध को कि कितनी डिग्री तक आपस में चरों में सहसंबंध है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गुणांक कहेंगे स्टूडेंट्स। तो जो गुणांक की अगर हम यहाँ पर बात करें, मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ करी है जिसमें कि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड है, ये गिलफोर्ड महोदय जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1958 के अंदर सहसंबंध मार्क सहसंबंध की जो मात्रा है या इसको जो मेजर करना है इसकी क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि जब हमारा कोरिलेशन इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब इससे कम होता है तो उसके अंदर हम इसकी मात्रा को मापते हैं कि कितना कम है, तो हम उसको किस नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, सहसंबंध गुणांक का मूल्य कभी भी 1.00 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, कितने से ज्यादा, 1.00 से ज्यादा कभी भी जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्ण सहसंबंध या परफेक्ट कोरिलेशन जिसको हम कहते हैं उसका मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि इस एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा और अधिक मूल्य गणना क्या है त्रुटि के कारण हो सकती है, सहसंबंध की मात्रा में यदि प्लस का चिन्ह आता है तो वहां पर क्या है, पॉजिटिविटी है, और अगर माइनस का चिन्ह आता है तो वहां क्या है, नेगेटिव की जो है वो ये इसको कहते हैं धनात्मक सहसंबंध इसको कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस वाला नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, और तो ये जो है इन्होंने बताया कि ये जो वर्गीकरण है इसको आधार बना करके हम सहसंबंध गुणांक की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कहता है कि सहसंबंध गुणांक प्लस माइनस अगर कितना है 61 से 0.80 के बीच में है तो किस प्रकार का कोरिलेशन है, ये जो कोरिलेशन है आपका ये आपका आएगा वेरी, देखिए हम स्टार्टिंग से लेते हैं एग्जाम्पल से बाद में चलेंगे, 0.0 ये जो वैल्यू है 0.00 से लेकर के अगर 0.20 तक आपके राशि में जो सहसंबंध पाया जाता है तो ये क्या है, नेग्लिजिबल या नगण्य जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार का कोरिलेशन हम मानेंगे इसमें। फिर अगर आपकी कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, कोरिलेशन की वैल्यू अगर आपकी 0.21 से लेकर के 0.40 तक आती है तो ये जो संबंध है इसका क्या हम मानेंगे, इसको लो कैटेगरी के अंदर रखेंगे कि इन चार राशि में संबंध तो है लेकिन लो कैटेगरी का संबंध है। फिर हम बात करते हैं 0.41 से लेकर के प्लस माइनस 0.60 तक अगर हमारा इसके अंदर क्या है रिलेशन है चल राशियों के बीच में वेरिएबल्स के बीच में तो ये किस प्रकार का है, ये हमारा है मॉडरेट। ठीक है, ये लो और ये नेग्लिजिबल। उसके बाद 6.1 से लेकर के अगर 0 प्लस माइनस 0.80 तक अगर वैल्यू देखें तो ये है हाई रिलेशन। ठीक है, अगर वैल्यू हमारी आती है जब हम सहसंबंध निकालते हैं गुणांक निकालते हैं तो अगर हमारी वैल्यू आती है 6.1 से लेकर के 80 तक आती है तो ये क्या है, ये हमारी हाई रिलेशनशिप को शो करती है। उसके बाद प्लस माइनस 81 से लेकर के अगर प्लस माइनस 90 तक हमारी वैल्यू आती है या 99 तक हमारी वैल्यू आती है तो दो राशियों में अंतर है, राशियों में जो संबंध है वो क्या है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का संबंध है और इसको हम क्या कहते हैं, वेरी हाई कोरिलेशन कहते हैं। फिर है प्लस माइनस 100 अगर रिलेशन आता है इट मींस क्या है, इट मींस है कि ये परफेक्ट कोरिलेशन पाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम जो है वो सहसंबंध की मात्रा का जो वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। अब जो सहसंबंध की मात्रा की जो गणना हमने करनी है, कंप्यूटेशन हमने करना है, कैलकुलेशन हमने करनी है, वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स सहसंबंध मापनों का प्रयोग चरों की प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है कि जिस प्रकार की डाटा जो है, किस प्रकार का जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनकी नेचर किस प्रकार की है उस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, हम कोरिलेशन की गणना करते हैं। जैसे जब मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रेशियो हमारे पास होता है तो हम प्रोडक्ट मूवमेंट लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल्स जब हमारे पास है, ऑर्डिनल स्केल पर जो वेरिएबल्स हमारे पास है तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, रैंक ऑर्डर डिफरेंस निकालते हैं वहां पर। ठीक है, जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें क्या है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट हम कब लगाते हैं, जबकि जो दो हमारे पास राशियां हैं वो कौन से स्केल पर हैं, जब हमारे पास क्वांटिटेटिव इंटरवल और रेशियो टाइप से हमारे पास जब डेटा है। ठीक है,
जब हमारे पास क्वांटिटेटिव इंटरवल और रेशियो टाइप से जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट यूज करते हैं। और जब हमारे पास जो डेटा है वो हमारा जो है किस प्रकार से होगा, जो दो भिन्न भिन्न गुणों को दिखाएंगे, सब्जेक्ट को दिखाएंगे, आदि के परिणामों को जहां पर हम दिखाएंगे, तो वहां पर जो आपका डाटा होगा, जो रैंक डिफरेंस वहां पर प्रयोग किया जाएगा, जहां पर मतलब ऑर्डर में हम कब दिखाएंगे, जब हमारे पास ऑर्डिनल स्केल में डाटा होगा, जब हमारे पास ऑर्डिनल स्केल में या नॉमिनल स्केल में जब हमारे पास डाटा होगा, तो उस समय हम जो लगाएंगे वो होगा हमारा रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो इन मेथड्स को प्रयोग करके हम कोरिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ये दो विधियां हैं हमारी, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बड़े ही अच्छे विद एग्जांपल और विद टेबल आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि किस प्रकार से जो है हम प्रोडक्ट मोमेंट निकालेंगे और किस प्रकार से हम रैंक डिफरेंस निकालेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, आशा करती हूँ आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा, अगर मैं टेबल के बारे में आपको फिर से एक बार बता दूं, ताकि जो है किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन कोरिलेशन हम निकालते हैं, जहां पर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 100 आ जाती है, वहां पर क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन होता है। और जब वैल्यू क्या है 20 से लेकर के प्लस माइनस 00 से लेकर के 0.20 तक आती है, तो इसकी जो रिलेशन है वो नेगलिजिबल है, यानी कि चरों के बीच में बिल्कुल ही माइनर जो है वो क्या है, रिलेशन है। फिर अगर प्लस माइनस 0.21 से लेकर के 0.40 तक अगर वैल्यू है, इट मींस क्या है कि आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन तो है, लेकिन वहां पर किस प्रकार का, निम्न प्रकार का रिलेशन जो है वो राशियों के बीच में है। फिर 0.41 के से लेकर के अगर 60 तक का रिलेशन है, वो क्या है आपका, मॉडरेट टाइप का है, यानी कि साधारण सा रिलेशन है चल राशियों के बीच में। फिर 6.1 से लेकर के अगर 0.80 तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा हाई क्वालिटी का होगा रिलेशन, यानी कि काफी अच्छा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल एक स्टार्ट किया था कि अगर 63 अगर यहाँ पर वैल्यू आती है, और 63 आती है, 64 आती है, 80 तक कहीं भी अगर हमारी वैल्यू आती है, कितना भी परिवर्तन एक राशि के अंदर होता है, तो जब वो आएगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा किसकी कैटेगरी में, हाई कोरिलेशन की कैटेगरी के अंदर आएगा। और पॉइंट प्लस माइनस 0.81 से लेकर के अगर 9 तक 0.99 या 99 जिसको कहते हैं, अगर वहां पर हमारी वैल्यू स्टेबल है, तो हमारा जो रिलेशन होगा वेरी हाई रिलेशन होगा। तो ये बड़ा ही एक अच्छा 1958 के अंदर बिलफोर्ड साहब ने जो वर्गीकरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से चरों के बीच में आपस के संबंध को हम मेजर कर सकते हैं, उनकी डिग्री को हम माप सकते हैं। ये बड़ा ही जो एक इजी वे है पढ़ाने का, उसको ध्यान रख करके हम क्या कर सकते हैं, हम जब रिसर्च कर रहे हैं या असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो बड़ी ही आसानी से हम इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।